हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये जी सुबह का टाइम है और नाश्ता हो रहा है मेरा और मेरे हस्बैंड का। वो कर चुके हैं नाश्ता, मैं ही बस कर रही हूँ। तो जो स्टफिंग बनाई थी आप लोग देखे होंगे पिछले ब्लॉग में आलू का, तो उससे मैं बताई ही थी कि बहुत सारे चीज़ बन जाते हैं। तो सुबह मैं बच्चों को ब्रेड पकौड़ा दी हूँ, उसका क्लिप लेना मैं भूल गई हूँ। बहुत सुबह में स्कूल होता है तो बड़ा ही टाइम जो होता है बिजी जाता है, इतना याद नहीं आता है। और ये बनाई थी मैं वड़ा, तो वड़ा पाव के साथ मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, वो ब्रेड के साथ खाते हैं। तो वही ब्रेड पे चटनी जो धनिया वाली होती है ना, खट्टी तीखी वाली चटनी, वो बनाई थी। तो वो लगा के और फिर मैं ये ब्रेड को जो है वो, अब ये ब्रेड है तो पाव की तरह कैसे खाएंगे इसको, तो इसीलिए मैं इसको तोड़ तोड़ के रोटी और सब्जी की तरह मैं इसको खा रही थी। लेकिन टेस्ट तो आ ही रहा था, अच्छा सा आ रहा था टेस्ट। तो वही है, आज का ये नाश्ता हो गया है और आ गए हैं किचन में, क्योंकि बाकी का भी तो तैयारी करना है खाने का। तो वही है, खाने का तैयारी चल रहा है। आज लाइट नहीं है, सुबह से ही पता नहीं क्यों लाइट का जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। आज कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, इसलिए लाइट बड़ा देर तक कटा हुआ था। मीन्स मैं आपको बता दूँ, अभी एडिट कर रही हूँ दूसरे दिन, तो मुझे लग रहा है कि सुबह 6 बजे से कटा कटा शाम को आया 4 बजे, वो भी बहुत जा रहा था, आ रहा था लाइट। तो मुझे लग रहा है प्रॉपर जो है रात के 10 बजे से लाइट आया, मतलब 12-15 घंटे तक लाइट बिल्कुल भी था ही नहीं। और जब लाइट नहीं रहेगा तो पानी और इन्वर्टर चार्ज ही नहीं होगा, पानी कहाँ से? जब ये मोटर ही नहीं चलेगा तो पानी भी नहीं, जाहिर सी बात है पानी नहीं आएगा। तो बड़ा ही समस्या हो गया था हर एक चीज़ के लिए। 2-4 घंटा रहता तो चल जाता, लेकिन अब 12-15 घंटा तो नहीं सर्वाइव कर पाता है, चाहे इन्वर्टर रहे या फिर पानी भी रहे। फैमिली बड़ी है तो इसीलिए पानी का ज़रूरत तो हर एक चीज़ के लिए होगा, खाना पीना बर्तन कपड़ा सब चीज़ के लिए होगा। तो इसीलिए बड़ा ही प्रॉब्लम हो गया था उस दिन। और हाँ, आप लोग मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो स्किप ना करें, पूरा देखें। और आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे टाइम टाइम पर। और मैं मोस्टली तो एक दिन का गैप करके वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन कभी 2 दिन भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, मगर ये रेयर होता है कभी कभार। जैसे मैं कहीं गई हूँ या फिर कोई प्रॉब्लम ही आ गया, तो फिर वही है कि मैं नहीं कर पाती हूँ अपलोड। और ये जो देखिए मैं कुद्रुन में काट रही हूँ, तो क्या होता है ना, ये आप 10 मिनट का ही वीडियो देखते हैं और बोलने के लिए बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन मैंने कहीं सुना था कि जब बोलने के लिए बहुत कुछ हो ना, तो फिर कुछ भी बोलने के लिए नहीं होता है। तो बस यही बात है कि मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल इतनी सारी चीज़ें हैं कि कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। तो टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या अभी थोड़ा आप लोग अपना प्यार बनाए रहेंगे तो साथ रहेंगे और फिर आगे बातें भी होती रहेंगी। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक भी करिए, और कुछ अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। आप लोग का साथ बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर मैं कहाँ सर्वाइव कर पाऊँगी। और कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं ऐसे टाइप की वीडियो बनाऊँ या फिर ये नहीं पसंद आ रहा है तो इस थीम से हट के कोई और थीम पे वीडियो बनाऊँ। लेकिन मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो आपको कुछ भी दिखाऊँगी, तो घर से रिलेटेड ही, किचन से रिलेटेड और मैं क्या दिखा सकती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रोज़ कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं आप लोगों को उससे रिलेटेड जो है वीडियो शेयर करूँ अपलोड करूँ, तो ये नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, घर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज हैं, जैसे कोई डिश हुआ बनाने का, तो वो सब मैं बनाती हूँ, वही सब आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जो घर के सारे हाउसवाइफ काम करती हैं वही मैं भी करती हूँ। तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो फिर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये कचरे की जो पॉलिथीन है नीचे बाल्टी में मैं रखती हूँ, कभी भी जो किचन का टूर है वो मैं शेयर करूँगी। इतना छोटा किचन है कि आप लोग तो ऐसे ही देख लिए होंगे पूरा मेरा किचन, लेकिन अंदर से जैसे कि किस रैक में मैं क्या रखती हूँ, ये सारा चीज़ मैं डिटेल में शेयर करूँगी कभी, अभी तो नहीं कर पाऊँगी, आगे मैं कभी करूँगी। तो ये नीचे जो है बास्केट में रखती हूँ एक, और उसमें डस्टबिन की तरह यूज करती हूँ पॉलीथीन लगा के, तो वही कचरा जो है वो भर गया था, तो वही मैं लेके गई थी फेंकने के लिए। और मैं ये कैमरा
छोड़ गई थी चालू ही और मैं भूल गई थी जब मैं गई फेंकने के लिए। हाता में ही गई थी अपने, जो आप लोग होली वाले ब्लॉग में मेरे देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिए उस ब्लॉग को, बहुत अच्छा था वो। तो उसी जो होली वाले ब्लॉग में अगर नहीं देखे हैं तो देखिए, तो वही हाता में ही कचरे का जो होता है बड़ा सा डस्टबिन है, तो उसी में फेंकने के लिए मैं गई थी। तो यही कैमरा जो है वो चालू छोड़ गई थी, फिर मैं आई तो याद आया कि अरे मैं कैमरा तो चालू छोड़ के गई हूँ, लेकिन मैं इसको कट नहीं की, मैं छोड़ दी कि आप लोग भी देखें कि हम लोगों से भी बहुत सारी गलतियाँ होती रहती हैं। और ये कढ़ाई मैं चढ़ा दी थी, इसमें कुद्रुन का भुजिया उसमें बनाऊंगी जो एल्युमिनियम वाली कढ़ाई थी, और इसमें मैं आलू बैंगन का बना रही हूँ जो लहसुन और मिर्चे के फ़ौरन से बनता है, बस वही सिंपल सादे सी सब्ज़ी है। और ये रहा देखिए, इसमें मेथी डाल करके, और बस आज आलू नहीं डाली हूँ, बस आज कुद्रुन का ही भुजिया बनाऊंगी मैं, क्योंकि आलू और बैंगन का तो ऑलरेडी बनाई हूँ, और इसमें बस बेसिक से मसाले पड़ते हैं। बहुत बार पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि बस ये हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और नमक, और बस इसको कम आँच पे जो है उसको भूनना है आपको ढक ढक के, और एकदम कम आँच पे और भूनते रहिए। और मैं, आप लोग मोस्टली देखे होंगे कि मैं कम ही आँच पे जो है कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ, दाल बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आँच तेज़ रहता है तो मुझे लगता है कि वो मतलब जल जाता है, वो पक गल तो जाता है लेकिन वो पकता नहीं है। पता नहीं मेरे आप लोग सबको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, लेकिन देखिए मैं कम आँच की हूँ और वो थोड़ा सा तेज़ है जो बीच वाला आँच है, क्योंकि वो बहुत ही कम है आँच, एकदम वो छोटा वाला जो बर्नल होता है गैस का, 3 बर्नल वाला है तो इसीलिए एकदम वो छोटा है, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा ज़्यादा करके मैं रखी हूँ। अगर दोनों को नापे तो दोनों का बराबर आएगा। और ये देखिए कितना कड़क वाला धूप था आज, मतलब बारिश का तो नामो निशान नहीं है यूपी में, हमारे तरफ पूर्वांचल में तो, और बाकी जगहों पे तो पता नहीं, लेकिन पूर्वांचल में बिल्कुल भी बारिश नहीं है, सूखा की तरह है एक तरह से देखिए तो, क्योंकि सारे किसान जो है वो त्राही त्राही मचा है, खेती एकदम सूखे हुए हैं। और ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो किसान है, क्योंकि उनके खेती पे सबसे ज़्यादा ये असर पड़ता है बारिश का होना या ना होना। अगर टाइम से बारिश हो तो उनके लिए बहुत अच्छा है, अगर यही टाइम से ना हो तो उनके लिए एकदम बेकार है ये बारिश। तो बस यही है कि कोई चीज़ होता है ना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा अगर मिलने लगे तो फिर वो बेकार हो जाता है। ये जी हमारा खाना बन गया है जो दोपहर का है, लगभग सारा ही खाना बन गया है। जो दाल है उसको मैं छौंक लगाती हूँ, सिंपल सा घी जीरा से ही छौंक लगाती हूँ दाल में। तो पहले ही मैं हींग डाल के बिठाती हूँ, अगर हींग कभी भूल गए आप या मैं भी कभी भूल जाती हूँ, तो उसमें बस जब छौंक लगाते समय हींग थोड़ा सा डाल के घी में और जीरा डाल के छौंक में लगा देती हूँ, और आप भी ऐसा कर सकते हैं, फिर वो सेम फ्लेवर आएगा और उसका जो है हींग का खुशबू भी रहेगा दाल में। और ये देखिए मैं आटा लगाने लगी थी, तो आटा तो बहुत ही कम चाहिए होता है दिन में, क्योंकि बच्चे मोस्टली तो रोटी या पराठा ही लेके जाते हैं टिफ़िन में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो सिंपल सा रोटी सब्जी ही लेके जाएं या पराठा सब्जी लेके जाएं। ये चाउमीन मैक्रोनी ये सब बहुत ही कम मैं देना चाहती हूँ, या ब्रेड पकौड़ा वगैरह। तो आज तो ब्रेड पकौड़ा वो लेके गए हैं सुबह में, लेकिन फिर भी ब्रेड तो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि भूख कहाँ लगता है ब्रेड पकौड़े अगर खा ले तो, लेकिन उनके लिए बस चावल दाल ही चाहिए। दोपहर में वो आते हैं तो मोस्टली चावल दाल ही खाते हैं और सब्जी रोटी नहीं खाना चाहते हैं, तो मैं भी उनके लिए रोटी नहीं बनाती हूँ, बस ये 2 या 3 जो रोटी का है आटा बस मैं लगाती हूँ दिन में, हस्बैंड के लिए 2 और 1 अपने लिए। और ये सारा काम करके मैं आ गई, और धूप तो दिखाई हूँ, चिलचिलाता हुआ धूप था, तो बस एक गिलास पानी लेके बैठी हूँ। और जब बहुत तेज़ प्यास लगा हो और हल्का सा ठंडा पानी मुझे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है, और ये गर्मी में तो पानी ही जान है, और उस पर भी हल्का ठंडा, क्योंकि मैं बताई हूँ कि सुबह से लाइट नहीं है तो बहुत ठंडा पानी नहीं था, हाँ लेकिन पी हूँ पूरा एक गिलास पानी, बड़ा ही अच्छा लगा है। और ये बेटी को एक और गिफ्ट मिला था जो बीच में फ्रेम लगाई हूँ मैं, तो वो बोली है कि अब इसको चेंज करके ऐसे लगा देना मम्मी, तो वही आ गई हूँ ऊपर से कि नीचे रूम में, कि उसके रूम में थोड़ा सा लगा दूँ, और थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है बस जगह में, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ठीक ही है। ऐसे इस वीडियो में है जो ज़्यादा पता चल रहा है, लेकिन वैसे नहीं उतना पता चल रहा था। और ये रूम एकदम नीट एंड क्लीन है बच्चों का, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मैं साफ़ करके फिर से गई हूँ, तो इसीलिए 2 दिन क्या, 1 ही दिन हुआ, कल ही साफ़ की हूँ अभी,
तो बस पूरा क्लीन है रूम, और उनको बस यही है 2 ही दिन में 3 ही दिन में इतना ज़्यादा गंदा कर दे रहे हैं सब कि मुझे साफ़ करना पड़ जा रहा है। लेकिन है भी अब, क्योंकि अब सोते हैं सब नीचे तो गंदा तो होना ही है। पहले ऊपर रूम में रहते थे सब, बस पढ़ने के लिए आते थे तो मैं भी थोड़ा अवॉइड करती थी। और ये रहा हमारा आज का लंच देखिए, और ये पूरा इंडियन थाली है जो होना चाहिए। तो बस जी यहीं तक का था मेरा वीडियो, और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।